हाय स्टूडेंट्स, प्रगति देसाई मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे। आज हम 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व के। अगर आपको लगता है कि आप ये 6 क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आ गया, तो आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आपका 6 मार्कर क्वेश्चन एरिया अंडर सिंपल कर्व में से आता है तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करने के लिए आपकी दो चीजें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फर्स्ट ग्राफ मेकिंग एंड सेकंड हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन। इसमें जो इंटीग्रेशन सॉल्व होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, 5 to 6 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है या उससे भी कम स्टेप में। अगर एग्जाम में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का कोई क्वेश्चन है और उसका इंटीग्रेशन 5 to 6 स्टेप्स में सॉल्व नहीं हो रहा है, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, चेक इट अगेन। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व आफ्टर मेकिंग रफ स्केच। आपको ग्राफ किस किस का बनाना है? y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 1, x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0। इनका जो एरिया बाउंड होगा वो देखना है, ठीक है, शेडेड रीजन देखना है। सबसे पहले तो y इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडुलस को सिंप्लीफाई करेंगे। सो मॉडुलस को सिंप्लीफाई कैसे करते थे? y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 1, इसका मतलब होता है 1 प्लस एक्स प्लस 1 इफ, अगर एक्स प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो पॉजिटिव होगा मॉडुलस। अगर एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 होगा, मींस नेगेटिव होगा। कब होगा? व्हेन एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। सो 1 माइनस एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, 1 प्लस एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसे ही सॉल्व करते थे y इक्वल्स टू मोड x का, पॉजिटिव x होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव x होगा इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस x इफ x is greater than equals to minus 1, means मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, x is greater than equals to minus 1 आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, minus x if x is less than minus 1 आ गया। तो हमारे हमें किस किस के स्केच बनाना है? एक तो x y equals to 2 plus x का स्केच बनाना है। ये कब बनाना है? when x is ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। सेकेंड स्केच बनाना है y इक्वल्स टू माइनस एक्स का, जहां पे हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन माइनस 1। अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 लेते हैं तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 लेते हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये तो हमने सिंप्लीफाई किया है y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 1 को। अब बाकी के ग्राफ एज इट इज, इक्वेशन एज इट इज लिख लीजिए, x इक्वल्स टू माइनस 3, x equals to 3, y equals to 0, means हमें 5 equation given है, उसका common area निकालना है using graph। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मेरी x axis है, ये मेरी y axis है। आप देखो पॉइंट्स बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 1, माइनस 2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। y equals to x plus 2 लेना है, x की वैल्यू कहां से कहां लाई करें, x greater than equals to माइनस 1 to प्लस इंफिनिटी कहीं तक भी। सो यहां से हम क्या करते हैं, x equals to माइनस 1 लेते हैं, x equals to माइनस 1 लेंगे तो y क्या आएगा, x माइनस 1 रखो, y की वैल्यू क्या आ गई, 1, बड़ा ले लो x, यहां से 2 ले लो x, अगर हम 2 लेंगे यहां से ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 लेना ना, x 2 लो,
एक्स टू लोगे तो वाई क्या आ जाएगा फोर, एक्स थ्री लो एक्स थ्री लोगे तो वाई क्या आ जाएगा फाइव। ठीक है, अब प्लॉट कर लो, माइनस वन लिया है एक्स तो वाई वन है, ये पॉइंट टू फोर टू एंड फोर थ्री एंड फाइव यहां पे आ गया, सो ये हमारी आ गई। आगे हम कितना भी ले सकते हैं, सो ऊपर जाएगा स्केच, देखो इससे नीचे नहीं जा सकती ये, ऊपर ही जा सकती है क्योंकि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू टू प्लस एक्स, ये सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन के लिए। ठीक है, सो ऊपर इंफिनिटी तक जा सकता है, तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू टू प्लस एक्स की लाइन। अब हम देखते हैं x अगर लेस देन माइनस वन है, x लेस देन माइनस वन है तो लेस देन माइनस वन के लिए सेकेंड आप ले सकते हो माइनस टू, अगर x माइनस टू लेते हो तो y क्या आएगा, यहां से माइनस टू लो x को, y आ गया प्लस टू, सो एक पॉइंट हमारा आ गया माइनस टू प्लस टू। एक्स माइनस थ्री लोगे तो y क्या आएगा, थ्री आएगा इस इक्वेशन से, सो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस टू टू, माइनस टू टू, माइनस थ्री थ्री। ठीक है, एंड माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। तो ये हमारा हमारी लाइन थी y इक्वल्स टू माइनस एक्स की। नाउ x इक्वल्स टू माइनस थ्री इक्वेशन क्या होती है, ग्राफ क्या होगा इसका, x इक्वल्स टू माइनस थ्री, सो ये माइनस थ्री है, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, x इक्वल्स टू माइनस थ्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये हमारा आ गया x इक्वल्स टू माइनस थ्री। x इक्वल्स टू थ्री का ड्रॉ करो, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो ये x इक्वल्स टू थ्री का आ गया, y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो मीन्स कंप्लीट x एक्सिस, ये कंप्लीट x एक्सिस यहाँ पे, ये क्या है y इक्वल्स टू जीरो, सो अब कॉमन एरिया क्या होगा, हम किसको शेयर करें, y इक्वल्स टू जीरो है, दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन, सो कॉमन एरिया मेरा क्या आ गया, दिस पोर्शन, सो मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली यहां से यहां तक का एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि जो आपका ग्राफ है उसमें दो लाइन आ रही हैं, लेस देन माइनस वन की एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन की, तो यहां से ये जो ग्राफ है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पहले हम फर्स्ट रीजन का निकालेंगे, फिर दिस कंप्लीट सेकेंड रीजन का निकालेंगे और दोनों को एड कर देंगे। अगर ये सिर्फ एक ही इक्वेशन का कर्व होता या एक ही लाइन होती तो हम कंप्लीट यहां से यहां तक का निकाल सकते थे। ठीक है, तो ग्राफ बन गया, मीन्स हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इनफैक्ट 60%। सो अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमारा कंप्लीट यहां से यहां तक एक सिंगल इक्वेशन नहीं है, हमारी दो इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है y इक्वल्स टू माइनस एक्स की और ये आ रही है y इक्वल्स टू टू प्लस एक्स की। सो देखो माइनस थ्री टू, ये माइनस वन है, माइनस थ्री टू माइनस वन, माइनस थ्री टू माइनस वन, माइनस थ्री टू माइनस वन में हमारी कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको मैं y1 से ना डिनोट कर दू, सो y1 dx, dx इसलिए क्योंकि हम x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, प्लस अब क्या होगा माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री इसको मैं y2 से डिनोट कर देती हूँ, माइनस वन टू थ्री कौन सी इक्वेशन है, y2 dx। ठीक है, सो इसमें वैल्यू डाल दो, y1 क्या है मेरा माइनस एक्स डीएक्स और y2 क्या है मेरा टू प्लस एक्स। अब जस्ट आपको इसे इंटीग्रेट करना है, सो मेरा आंसर आ गया 16 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में फिगर बनाने में ही थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब इतना पता लग गया जो ट्राइंगल बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, ठीक है. एंड नॉर्मल टू द सर्कल जिसकी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एट पॉइंट वन अंडर रूट थ्री, ठीक है. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है. सर्कल की इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, ठीक है. एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये इक्वेशन होती है सर्कल की, जहां पे एच के सेंटर होता है और आर रेडियस होता है. तो यहाँ पे सेंटर क्या है, अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूं एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू स्क्वायर. तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया, जीरो जीरो, और रेडियस क्या है सर्कल की, टू, ठीक है. ये पता लग गया तो मैं ये सर्कल इजिली ड्रॉ कर सकती हूँ. इसको ड्रॉ करने से पहले अब मुझे दो लाइन की इक्वेशन चाहिए. वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस सर्कल, ठीक है. जिसके पॉइंट भी दे रखे हैं आपको, नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट वन अंडर रूट थ्री. सो ये डिफरेंशिएशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन द पॉइंट, ये क्या हो गया x1 y1, ये पॉइंट्स हैं, इक्वल्स टू m, यहाँ पे स्लोप है x माइनस x1. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है. एक सर्कल की इक्वेशन है, उससे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. उसके बाद हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के उससे टेंजेंट और नॉर्मल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे. उसके बाद जो हमारा शेडेड पोर्शन आएगा उसका हमें एरिया निकालना होगा. सो अब इक्वेशन हमें y x1 y1 की वैल्यूज तो पता है, पर हमें स्लोप नहीं पता, एम निकालेंगे. स्लोप कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन क्या गिवन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, ये गिवन है. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. सो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो. एक्स प्लस वाई, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो. सो यहां से क्या आ गया वाई, यहां से dy by dx क्या आ गया मेरा माइनस x by y. अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है, वन अंडर रूट थ्री, एट वन अंडर रूट थ्री मीन्स x वन है और y अंडर रूट थ्री. सो dy by dx क्या आ जाएगा इस पे, x की जगह वन रखो और y की जगह अंडर रूट थ्री. सो dy by dx क्या होता है, नथिंग बट स्लोप. सो मेरा m क्या आ गया माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री. सो मैं अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकती हूँ, m आ गया मेरा माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री. y1 और x1 की वैल्यूज पता है, m पता है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस y1, y1 इज अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू m क्या है मेरा माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है वन, ठीक है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So, ये क्या हो गया अंडर रूट थ्री वाई माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. दिस इंप्लाइज अंडर रूट थ्री वाई माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. दिस इंप्लाइज एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई मेरी एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, ठीक है. अब मैं निकालूंगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, m मेरा था माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री था तो क्या हो गया ये अंडर रूट थ्री ओनली, x माइनस एक्स वन जो कि मेरा वन है. दिस इंप्लाइज y माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट थ्री. सो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल. दिस इंप्लाइज y क्या आ गया मेरा अंडर रूट थ्री एक्स. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई y इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एक्स. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई x प्लस अंडर रूट थ्री वाई इक्वल्स टू फोर.
अब हम इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. मुझे इनका ग्राफ ड्रॉ करना है. ये सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जिसका सेंटर क्या है 0 0, और जिसकी रेडियस क्या है 2 यूनिट्स. तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर आ गया 0 0, रेडियस क्या है 2 यूनिट्स. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 2 0, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 0 2, एंड सो ऑन. उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई थी मेरी, इसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने. सो इसका ग्राफ ये है, x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 4. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई थी, इसका ग्राफ ड्रॉ किया. ये तो सिंपल लाइन की इक्वेशन है. लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी. सो लाइन की इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज निकाल लो. ठीक है, अब पॉजिटिव x एक्सिस में हमारा ट्राइंगल बनेगा. अब यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारा पॉजिटिव x एक्सिस में, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा नॉर्मल और टेंजेंट लाइन का कॉमन एरिया यही है. पॉजिटिव x एक्सिस में लेना है, इसलिए हम नीचे का पार्ट नहीं ले सकते. स्ट्रिक्टली मेंशन है पॉजिटिव x एक्सिस, नीचे ट्राइंगल बन भी नहीं रहा है. अगर नीचे भी ट्राइंगल बन रहा होगा तो आपको पॉजिटिव में लेना होगा, क्वेश्चन में मेंशन है. तो आप देखो, अब मुझे निकालने हैं ये तीन पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स निकालने हैं. अगर मैं ये दो पॉइंट्स निकाल लेती हूँ, सबसे पहले मैं ये पॉइंट निकालती हूँ. ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस का, एंड दिस नॉर्म टेंजेंट लाइन एक्स प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 4. इस पॉइंट पे मेरा वाई क्या है 0. सो वाई की जगह 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालो. सो मेरा x क्या आ गया 4. सो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 0. ठीक है, अगर मैं एरिया निकालना चाहूं 0 टू 4 लेके, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही चीज की थी. अगर मेरा ये यहां से यहां तक एक सिंगल कर्व होता, सिंगल कर्व की इक्वेशन होती या सिंगल लाइन की इक्वेशन होती, तो मैं इंटीग्रेशन 0 टू 4 करके निकाल सकती थी. लेकिन ये जो एरिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो डिफरेंट लाइन में डिवाइडेड है, और वो डिविजन यहां से आया है. यहां से यहां तक ये इक्वेशन है लाइन y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x की, और यहां से लेके यहां तक 4 तक ये इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 4 की. सो पहले मैं फर्स्ट पार्ट का निकालूंगी इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट का निकालूंगी इंटीग्रेशन, एंड दोनों को ऐड कर दूंगी. ठीक है, तो उससे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि कौन सा पॉइंट है. आप देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्मल और टेंजेंट लाइन का ही तो है. सो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा x प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 4, x प्लस 3x इक्वल्स टू 4, 4x equals to 4 आ गया, x equals to 1. So x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 है तो y क्या हो जाएगा यहां से अंडर रूट 3x. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया दोनों लाइंस का, 1 अंडर रूट 3, मींस ये पॉइंट क्या है मेरा 1 आ गया, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया. अब मैं इजिली एरिया निकाल सकती हूँ. अब देखिए एरिया क्या होगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक लेंगे, 0 टू 1 में कौन सी लाइन का कर्व है, कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x मींस अंडर रूट 3x dx प्लस 1 टू 4 में किस कौन सी लाइन की इक्वेशन है, x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 4. यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y 4 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 3. सो ये आ गया 4 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 3 इंटू dx. क्योंकि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए हमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है. ठीक है, अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है. सो मेरा आंसर आ गया 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स.